नमस्कार, सवाल जवाब में आपका स्वागत है। इस हफ्ते हमारा जो पैनल है पिछले हफ्ते की तरह बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल पैनल नहीं है, ये एक आम आदमी का पैनल है, पर इनके कुछ निजी डिसीजंस एक कंट्रोवर्सी का मुद्दा आजकल बन गए हैं। इन्होंने कुछ फैसला लिया, ये फैसला लिया है कि अपने धर्म के बाहर ये शादी करेंगे, और इसका लेकर कुछ लोगों को आपत्ति है। क्यों है, क्या होना चाहिए, इसी पर आज ये चर्चा होगी। मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ आज के पैनल से। मेरे साथ जो बैठी हैं ये रूपा राठी थी, अब रूपा डिसोजा हो गई हैं, और उनके बगल में जो हैं ये कारण है इनके डिसोजा होने के, ये है ब्रायन डिसोजा। बता दो, दोनों हाईली सक्सेसफुल हस्बैंड वाइफ हैं। ब्रायन एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, और बहुत कुछ सोसाइटी में इन्वॉल्व हैं। रूपा जो हैं ये अभी मास्टर्स कर रही हैं और अर्बन प्लानर बन रही हैं। इनके साथ में है आसिफ बागवान, ये मीडिया से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अर्चना से शादी की है, यानी आप समझ सकते हैं कि एक हिंदी कम्युनिटी की लड़की से शादी की है। अब इन सब से जो जिन्हें आपत्ति है वो है उद्धव खराड़े साहब, ये हैं विश्व हिंदू परिषद के नवी मुंबई के जिला मंत्री। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। सबसे पहले रूपा आपसे शुरू करते हैं, राजस्थान से हैं आप, महेश्वरी ख़ानदान से हैं, काफ़ी कंजर्वेटिव फैमिली मानी जाती है, क्रिश्चियन लड़के के चक्कर में कैसे आ गई? मतलब पढ़ाई तो हमारी फैमिली में इम्पोर्टेंट थी, तो पढ़ाई तो करेंगी लड़कियाँ, तो लड़कियाँ जब स्कूल कॉलेज जाएंगी तो ऐसे आँख तो बंद नहीं कर सकती लड़कों की साइड में। एंड बट मेरी फैमिली कंजर्वेटिव है, 18 इयर्स की थी मैं तब से लड़के देखने लगे थे। मेरे फादर, मेरी पूरी फैमिली इन्वॉल्व थी इसमें, इंक्लूडिंग ग्रैंड फादर। फिर मतलब धीरे धीरे पढ़ाई करते करते कब प्यार हो गया पता नहीं पड़ा, एंड फिर ऐसे डिसाइड कर लिया कि शादी करूँगी तो इनसे ही करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। अच्छा, ब्रायन से मिली, और फिर मतलब शादी इज़ अमेलगमेशन ऑफ ट्रू माइंड्स, ट्रू सोल्स, इट्स नॉट अबाउट रिलीजन। ब्रायन, ये हिंदू लड़की के चक्कर में कैसे आप पड़े? व्हेन आई केम इनटू आर्किटेक्चर, जब मेरी सेकंड ईयर हुई थी और ट्रांसफ़र लिया था मैंने, डीवाई पाटिल कॉलेज में था, और तब सब लोग से मिलना जुलना हुआ, एक दूसरे से मतलब हाय हेलो ये वो सब। तो एक ही लड़की थी जो लास्ट बेंच पे बैठी थी, अपने किताबों में जुड़ी थी, और एकदम मतलब जैसे सीरियस टाइप की नज़र आने लगी। तो मैंने कहा सब लोग आए मिले मुझे, मैं तो नया हूँ, सबको आना चाहिए, बोलो आए नहीं कोई, ये खास आई नहीं। तो फिर ऐसे दो तीन दिन निकल गए, फिर मैं खुद गया उसके पास में, तो मैंने कहा कि मैं ब्रायन हूँ, बोली ठीक है हाय, और बस वापस अपने काम में लगी रही। तो मैंने कहा यार ये कुछ अलग है, बोला अभी एटलीस्ट दो चार बातें तो करे। तो फिर ऐसा जैसे टाइम बीतने लग गया, तो मेरा जो थिंकिंग है, मेरा जो थॉट प्रोसेस है, इसके साथ में जुड़ने लग गया। 3 साल अपना आर्किटेक्चर का पूरा नियोजित रहता है। खराड़े सर आते आ रहे, आपके पास आ रहे, नियोजित रहता है, आपके पास आ रहे खराड़े साहब, पूरा नियोजित रहता है। ब्रायन, तो ब्रायन आप बेसिकली कॉलेज में एक लड़की अच्छी लगी आपको, आपके कुछ मेल जोल हुए, और खराड़े साहब बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं कि आपका प्री प्लान फिलहाल आपके तो नहीं लग रहा है, हम इस पर और डिस्कस करेंगे। आसिफ आप बताइए, आपका कोर्टशिप हुई, लव मैरिज हुई, किस तरह से हुई है? हम दोनों 3 सालों से साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, फ्रेंडशिप तो थी, फिर तो आगे चल के बातचीत हुई, और इसके बाद फिर हम लोग ने डिसीजन लिया, घर वालों से बात की, उन्होंने भी शुरुआत में थोड़ा उसको ये किया, लेकिन बाद में वो लोग भी एग्री हो गए, और फिर हम लोग ने एक कोर्ट मैरिज कर दी। मतलब इतना, इट इज़ एज सिंपल एज दिस। खराड़े साहब आ रहा हूँ, मैं एक जनरल आप लोग से ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपकी कोर्टशिप हुई, जब प्यार हुआ, उस टाइम पे रिलीजन को लेके जो डिफरेंसेस हैं उसके बारे में कुछ ख्याल आया? रूपा आपको पहले। मतलब एक कल्चरल शॉक तो होता ही है जब हिंदू और कैथलिक हो या हिंदू और मुस्लिम हो, बट इस पे हस्बैंड के ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि वो कैसे अपनी फैमिली को समझाए। लड़की को तो एडजस्ट करना ही है, भले वो सेम रिलीजन में जाए या डिफरेंट में, तो पूरा हस्बैंड पे होता है। और मेरे केस में मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव थे,
और उन्होंने मुझे कभी फोर्स नहीं किया कि मैं अपना रिलीजन चेंज करूं। उनके आज के वो मजबूरी है। ब्रायन आज जो बोल रहे हैं मेरा जो है, दो मिनट में आ रहा हूं आपके पास। मेरा जो थिंकिंग है पहले से अपना कॉस्मोपॉलिटन थिंकिंग है, हालांकि इंडिया इज अ कॉस्मोपॉलिटन कंट्री, तो मेरा सोच ये है कि कोई भी धर्म का, कोई भी रिलीजन का हो, आपको क्रिश्चियन मिले नहीं क्या? कुछ उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्रिश्चियन मिले नहीं जो हिंदुओं के खराड़े साहब की खराड़े साहब दूसरे का जो थॉट प्रोसेस है, क्रिश्चियन मिले नहीं क्या? मिलना जुलना जो है कम थे क्या हमारे हिंदुओं के लड़के के पीछे? मिलना जुलना के ऊपर जो है पूरा प्रिय उसके ऊपर कोई पाबंदी डाल नहीं सकते। खराड़े साहब आपको मैं पूरा मौका दूंगा, दो मिनट पूरा पूरा नियोजित था। आसिफ लोग बोलते हैं आरोप है पूरा पूरा नियोजित था। हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं हम लोग, तो किसी का कोई हक नहीं बनता है हमको बोलने का कि किसके साथ में हमें मालूम है। शादी करो साहब, दो मिनट आप दीजिए, आपको पूरा मौका दूंगा, पूरा मौका आपको दूंगा। हमें मालूम है डेमोक्रेसी क्या मानते हैं। आज की तारीख में ये है, हम पढ़े थे जो हिंदुओं के पीछे लगने के लिए। आज की तारीख में कोई सोच के जा नहीं सकता, कोई सोच के जाता नहीं है। आपकी डेमोक्रेसी हमको मालूम है। ब्रायन एक मिनट, आसिफ आसिफ एक मिनट रुपा मैं आता हूँ आपके पास। आसिफ आसिफ इनकी जबान बोल रहे हैं खराड़े, खराड़े साहब हमें मालूम नहीं है। एक मिनट खराड़े साहब, घर वापसी के जो रास्ते अभी भी खुले हैं, आप खुशी से अपने धर्म में आ सकती है। खराड़े साहब, खराड़े साहब आप ये जो बात कर रहे हैं सनातन हिंदू धर्म है, आज आप मुझे गर्व है कि आपने आज भी टिकली लगाई हुई है। आज भी वो हिंदू क्या मजबूरी है? आज भी हिंदू है, कोई मजबूरी नहीं है। ऐसी क्या मजबूरी आ गई? मजबूरी आज से क्या मजबूरी आ गई आप? आज ये मजबूरी है, आपने आज भी टिकली लगाया है, छोड़ दो इनको। आज मजबूरी है जो खराड़े साहब, खराड़े साहब आप क्या डेमोक्रेसी आप कह रहे हैं वो मजबूरी है। खराड़े साहब लड़की को जबरदस्ती अपने कौम में अपने रिलीजन में शादी करना ही पड़ता है, जान में फंस के उसको ब्लैकमेलिंग करके शादी में करना ही पड़ता है, ये आरोप है। खराड़े साहब ये मेरा आरोप है, खराड़े साहब आरोप है, आरोप है, 19 आरोप है। खराड़े साहब 19 साल हो गए इनकी शादी को, मजबूरी 19 साल से मजबूरी, 40 साल से ये देश में पूरा चालू है लव जिहाद, क्रिश्चियन का धर्मांतरण उसके अंतर्गत हुआ ये मैटर। अच्छा आपके हिसाब से आरोप है, आपके हिसाब से के ये पादरी है वहां से ये सिखाया जाता है हिंदू लड़कियों को। अच्छा प्रलोभन दिखा के पैसा अच्छा, दे के यानी ब्रायन को फास्ट उसको क्रिश्चियन धर्मांतरण करो। ब्रायन और आसिफ को मतलब सिखाया गया था कि भाई आप लोग हिंदू लड़कियों को फंसाए पूरे देश और उनसे शादी करें पूरे देश में। आपका आपका ये कहना है कि इन दोनों को ट्रेनिंग दी गई कि आप लोग इस तरह से फंसाए? आसिफ ऐसी कुछ ट्रेनिंग कहां से फंसाने के, कहां से आपको पैसे मिले और ट्रेनिंग कहां से मिली? हमारे पास उसके कैसेट है, मैं आपको सबूत के तौर पे वो दिखा सकता हूँ। हमारे खबरी है जो मस्जिद में निकला हुआ फतवा उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है, वो हम आपके स्टूडियो में भेज सकते हैं। वहां से यही पता फंसाने के यही पता लगाएंगे, मिलते हैं 4 लाख रुपए मिलते हैं, 12 लाख रुपए मिलते हैं। चलिए बहुत अच्छा। आसिफ कितने लाख मिले आपको? मुझे नहीं मिले एक्चुअली, वो प्रॉब्लम हुआ। अच्छा मतलब सीरियस एक टॉपिक है, सबूत के आधार पे कह रहा हूँ, हमारे पास उसकी सीढ़ी है, वो सबूत यहाँ आपके स्टूडियो में हम भेजेंगे, आप खुद देख लीजिए वो क्या सबूत है और मस्जिद में क्या फतवा। चलिए सामने ये दोनों हैं, अपन इन्हीं से पूछ लेते हैं कि आपको किस तरह की ट्रेनिंग मिली थी। नहीं, पैसा तो मिला इनका, और पैसे कितने मिले और ट्रेनिंग कहाँ से और किधर उधर बताइए। मुस्लिम समाज में लड़कियां कम थी तो हिंदुओं की लड़कियां भगाए। आसिफ क्यों आपके पास मुस्लिम समाज में लड़कियां नहीं मिली थी? बात सही है, मुस्लिम समाज की लड़कियां है तो आप करना चाहिए ना वहाँ, इसलिए हम कर रहे हैं लव जिहाद है। लेकिन मेरे वहाँ क्यों नहीं किया आपने? वही तो बता रहे हो क्यों नहीं किया, तो मैं वही बता रहा हूँ कि मेरे ख्याल से ये बोल रहे हैं हम सबूत है। नहीं नहीं पक्का सबूत है, दो परसेप्शन है मतलब नजरिए, उसमें मैं सबूत देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ ऐसी घटनाएं देश में कई जगहों पे हुई है कि जहाँ पे ऐसे कंप्लेंट्स आए हैं कि फोर्सिबल कन्वर्शन हुआ है या तो फिर जिसको हम बोलते हैं लव जिहाद, लव जिहाद ऐसे तरफ से कन्वर्ट। अच्छा हुआ आपके मुंह से निकला, नहीं मैं मानता हूँ नहीं, अच्छा हुआ मुझे गर्व हुआ कि आपके मुंह से निकला हाँ लव जिहाद चालू है, आप भी मानते हैं। आप मेरी बात सुनिए, तो मैं मानता हूँ 15 साल से सुनते रहे हिंदू समाज। आप ये बताइए आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली? नहीं मैंने ट्रेनिंग नहीं ली, क्योंकि मैं तो मीडिया से प्रोफेशनल हूँ, मुझे मालूम है मैं एक ऐसे सिस्टम पे विश्वास करता हूँ जहाँ पे सब लोग एक जैसे रहे और हर हर धर्म का एक अपना अवधा है, ऊंचाई है, हर धर्म श्रेष्ठ है। तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि कोई एक धर्म बड़ा है ये धर्म कम है। आपको मुसलमान लड़की नहीं मिली थी? नहीं ये हो सकता, ये पर्सनल नजरिया होता है, मैं वही बोल रहा हूँ कि
पर्सनल नजरिया नहीं है, कॉमन नजरिया वो नहीं डिपेंड कर सकता है, करता है क्योंकि अगर अगर मुझे मुस्लिम लड़की नहीं मिली आया तो मैं ऐसे क्या बोलते अपने जैसे बाजार में सब्जी लेने जाते हैं तो आप मुझे भिंडी नहीं मिली तो लौकी ली ऐसा तो नहीं ले सकते। ऐसी होती है कि जैसे एक मोहब्बत है, इश्क रहता है, प्यार रहता है या तो किसी को चाहना रहता है, सोच के नहीं चाहना बिना कुछ नहीं है, चाहना कुछ नहीं है, पूर्व नियोजित है, लव जिहाद का मैटर है। एक खराड़े साहब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, लव जिहाद जो कहा जाता है, जिहाद का मतलब मालूम है आपको? हाँ, प्रेम युद्ध नहीं, पहला लैंड जिहाद हुआ, जिहाद का मतलब वो है ही नहीं, कौन सा नहीं, हमारी व्याख्या तो वही है प्रेम युद्ध, दो समाज के ऊपर जो घृणा पैदा करना है। मैं आपको बताता हूँ जिहाद का मतलब है किसी अन्याय के खिलाफ लड़ना, और ये अन्याय वगैरह कुछ नहीं है, और ये जो हिंदुओं की लड़की भगा के उसका धर्मांतरित करना, उसका शोषण करना, उसको बाहर ले जाके बेचना, ये इसको ये प्यार का नाम देते हैं। सुनिए, किसी चीज के लिए लड़ना, प्यार के लिए लड़ना तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है। काय के लिए प्यार का, ये प्यार नहीं है। अच्छा, ये प्यार नहीं है, लव जिहाद है वो, साची समझी ये है, सोच है, प्यार के लिए लड़ना बहुत अच्छी बात है। हिंदू समाज के विरोध बहुत बड़ा, 15 साल से 20 साल से जो षड्यंत्र चालू है इसका हिस्सा है ये, प्यार वाला कुछ नहीं है। चुप रहेंगे तो हम कुछ, खिलाड़ी साहब अगर आप इस तरह से बोलते रहेंगे तो कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। नहीं, जो सच है बोल रहे हैं, वो जो बोलते हैं कोशिश कर रहे हैं आप मेरी आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं आपकी आवाज दबाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दूसरे लोग भी बोले और इनको आप काउंटर कीजिए ना जब आपको मौका मिलता है। हम सुन रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं वो गलत कैसा है वो हम साबित कर रहे हैं। हमारे पास सीढ़ी है लव जिहाद की, इनके ब्रांड की सीढ़ी है, क्रिश्चियन धर्मांतरण की, आप जनरलाइज कैसे कर सकते हो? सबूत आपके यहाँ लाके देंगे हम, आप देखेंगे तभी आपको पता चलेगा मस्जिद से कैसा फतवा निकलता है, क्रिश्चनीकरण कैसा हो रहा है, गरीबों के यहाँ मोहल्ले गली में जाके क्रिश्चन कैसा बनाया जा रहा है, वहाँ की लड़कियों को कैसा फंसाया जा रहा है। साहब ये पूर्व नियोजित है, एक षड्यंत्र है, हिंदू समाज में ये षड्यंत्र फैलाया जा रहा है। पहला लव जिहाद का मैटर 2005 में इसमें हुआ, केरल में हुआ, तभी केरल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके ली, कौन था वो? डीसीपी था, डीसीपी की दो लड़की भागी थी। 2005 के पहले की शादी है इनकी, कौन सा? नहीं, वो क्रिश्चनीकरण लव जिहाद का बोल रहा हूँ मैं, क्रिश्चनीकरण तो सालों से चालू है। अच्छा, सेवा के नाम पे जो बुरखा पहन के रहते हैं, सेवा करने का बहाना रहता है, बहाना नहीं रहता, क्रिश्चनीकरण करने का इनका षड्यंत्र रहता है, इनको बाहर से पैसा आता है। मतलब मुसलमानों ने पिछले 10 साल से किया है और आप लोग तो बहुत सदियों से कर रहे हो। मैं सालों से चालू हूँ, आज भी हूँ, मैं मानवाधिकार का एक एक्टिविस्ट हूँ, सोशल एक्टिविस्ट। आप क्या है हमको मालूम नहीं है, आप डेमोक्रेसी मानते हैं नहीं, हमको मालूम नहीं है कि हिंदू है, आपने जो आपने जो फंसाया अस्पताल में होता है, अंतरित हुआ है, अभी आदमी अस्पताल में होता है, लाइफलाइन की जरूरत है, उसको खून की जरूरत है, तभी ये क्यों नहीं पूछता है कि आदि मुसलमान है कि आदिवासी की मार है, हमारा चालू है। ये पूछता हूँ, निस्वार्थ भाव से हम सभी उसको जान बचाने की फिराक में रहता हूँ, सेवा नहीं, तभी क्यों नहीं पूछता है? बहुत बड़ा एक षड्यंत्र आज की तारीख में कॉलेज में लड़के लड़कियां तो अपने अपने तरह से अपने इन्वॉल्व हो जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि मुझे माँ बाप के जरिए मुझे शादी करनी ही है क्योंकि उसमें पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है। ये शादियां होती है फैमिली के लिए होती है। 10 केसेस में से 70% केसेस एक साल के अंदर लड़के को फंसा के एक साल के अंदर मैरिजेस टूट जाती है। 70% मैरिजेस टूट जाती है ये प्रेशर ये दबाव के कारण से चलती है। आज की तारीख में लड़का लड़की अपना माँ बाप के लिए करता है शादी, अपने खुद के लिए नहीं, तो फिर पढ़ाते लिखाते क्यों उसको? घर पे रखो उसको, हमारे संस्कृति मत पढ़ाओ, मत पढ़ाओ। जिस टाइम जिस नतीजे पे हम लोग पहुंचे, हम लोग जिस वक्त हम लोग पढ़ाते हम लोग लिखाते तो फिर वो सवाल जवाब तो करेगा, अपना अच्छा बुरा क्यों क्या तो समझेगा, तो अपना खुद की सोच क्यों नहीं चलाएगा? आप अपने हाथ में रह के बात कीजिए, अपना थिंकिंग कोई दूसरा थोप नहीं सकता अपने पे, अपने जो थिंकिंग थोपने की बात चल रही है। खराड़े साहब हम ये चर्चा जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।